ओम शांति। आज है 29 अक्टूबर। तो आइए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली के मुख्य 8 पॉइंट्स। बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, तुम बच्चे हो तपस्वी मूरत। तो पूरा दिन आज हम इस सम्मान में रहेंगे कि बाबा ने मैं क्या कहा, तुम तपस्वी मूरत हो। तो बाबा कहते, जैसे जो तपस्या करते हैं लोग दुनिया में भी, तो अपने लिए कोई ना कोई आसन रखते हैं बैठने के लिए, उसके ऊपर बैठकर वो तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते, आपका आसन क्या है? एक रस स्थिति। ये स्वमान क्या है? आसन। फिर फरिश्ता स्थिति, ये स्वमान भी क्या है? आसन। जितने भी स्वमान हैं वो है हमारे आसन। जब उस सोमान की स्थिति में स्थित होकर हम आत्माएं तपस्या करती हैं, बाबा को याद करती हैं, तो हमें सर्व शक्तियां मिलती जाती हैं। बाबा कहते, भक्त क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े होकर के तप करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक रस स्थिति में स्थित होकर मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा को याद करते हो। उनका तो हठ योग है, लेकिन हमारा है सहज राज योग। तो इसलिए बाबा कहते कि तुम बच्चों के तो बहुत वैरायटी आसन है, उनके पास तो एक ही आसन होता ना, तो तुम बच्चों के वैरायटी आसन है। तो वैरायटी आसन पर मन बुद्धि द्वारा स्थित हो जाओ, बैठ जाओ, तो अनेक अनेक अनुभव करते जाएंगे और तपस्वी मूरत बनते जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि प्यार का सागर बाबा है। तो हम बच्चे भी प्यार के सागर के बच्चे हैं ना, तो प्यार के सागर के बच्चे हैं तो हमें भी क्या बनना है? प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहना है। हमारे हृदय में हर एक आत्मा के लिए बेहद आत्मिक प्यार अपनापन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, बाबा ने याद पर विशेष ध्यान खिंचवाया। बाबा कहते, याद से ही तुम आत्मा पावन बनती हो, और याद में ही माया क्या करती है? तुम्हारी बुद्धि भटकाती है, माया से तुम्हारी लड़ाई चलती है। बाबा कहते, कंचन बनने का यही साधन है बाबा की याद। लेकिन बाबा कहते, याद जो कर नहीं पाते हैं तो वैरायटी पद पा लेते हैं, है ना। बाबा कहते, देखो बाबा को फिर तरस भी आता है कि बाबा राजयोग सिखलाते हैं, लेकिन बच्चे जाकर दास दासियां प्रजा आदि क्या क्या बन जाते हैं। बाबा कहते, कारण है देह अभिमान। जितना बच्चे देह मान में रहते हैं उतना माया जोर से थप्पड़ मारती है। ठीक है, तो बाबा कहते, देह अभिमान का जो कीचड़ा है वो अंदर से निकालना है, उसके लिए जो श्रीमत रोज मिलती है उस पर चलना है, और कोई भी देहधारी याद ना है, क्योंकि देहधारियों की याद से ही विकारों में फंस कर ही आत्मा एकदम काला कोयला बन गई है। तो बाबा कहते, मैं तुमको गोरा बनाने आया हूँ, तो सिर्फ मुझ बाप से दिल लगाओ, इस दुनिया के कीचड़े से दिल हटा दो, सिर्फ एक बाप से अपनी प्रीत रखो, जो बाबा तुम्हें खुशबूदार फूल बना रहे हैं। और चौथा पॉइंट है, बाबा कहते, आगे चल के अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे कि हम क्या बनेंगे, दूसरा क्या बनेगा, ऐसे सबके साक्षात्कार भी होंगे, तो समझेंगे उस समय कि हमने क्यों नहीं पुरुषार्थ किया, पश्चाताप करेंगे, फिर बाबा कहते, परेशानी में आकर रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे कि हमने देह मान में आकर अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ा मार दिया। तो बाबा कहते, कई तो बच्चे ऐसे हैं देह मान में इतना रहते हैं, थोड़ा सा बीमारी होती है तो डॉक्टरों की ढेर दवाई अपने पास रखते जाते, खाते जाते। बाबा कहते, शरीर को तंदुरुस्त रखना वो अलग बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही बॉडी कॉन्शियस में चले जाओ, इतना भी देह भान में नहीं जाना है। बाबा की याद में भोजन खाओ तो वो भोजन भी शुद्ध बन जाएगा, उससे भी तुमको ताकत मिलेगी, और फिर अनेक बीमारियां बिकटती जाएंगी याद में रहकर भोजन करने से। बाबा कहते, बहुत बहुत फायदे हैं, इसलिए भी विशेष ध्यान रहे कि
कि हमें बाबा की याद में रहकर हर समय जब भी भोजन करना है बाबा की याद में रहकर ही करना है। और पांचवा पॉइंट है, बाबा कहते तुम बच्चों को तो सर्विस करने का बहुत ज्यादा शौक रखना चाहिए, सर्विस को छोड़कर कभी नींद नहीं करनी चाहिए, है ना। सर्विस के लिए तो हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। जैसे बाबा कहते कोई बच्चे म्यूजियम में समझाते हैं तो अचानक से मान लो कोई आ गया और आपका भोजन का टाइम है, तो भोजन छोड़कर भी उसको अटेंड करना है, पहले भोजन नहीं करने जाना है। कोई आत्मा आई है भगवान के लिए परिचय मांगने के लिए, बाबा को ढूंढने के लिए आई है, तो उसको पहले ज्ञान सुनाना है, भोजन बाद में करना है। बाबा कहते ऐसे बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने अभिमान में रहें, आराम पसंद नवाब ही बन जाएं, तो ऐसे नवाबी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पर। बाबा कहते बहुत ही अंदर में तुम्हें सर्विस की उछल रहनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट चाहिए बॉडी को, रेस्ट का टाइम तो लो, वो अलग बात है। और छठा पॉइंट है, बाबा कहते कोई में तो यहाँ लोभ का विकार बहुत है, बहुत किचड़ा आत्मा के अंदर है, कोई में मोह का किचड़ा है, कोई में काम का किचड़ा है, एकदम अवस्था जल जल कर जैसे कि मरे हुए के समान हो गई है, इतना आत्मा के अंदर किचड़ा भर गया है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए, माया के तूफान जो आते हैं ना वो तो आते ही रहेंगे, उनसे डरना नहीं है, कोई भी तूफान आए बस महावीर बन करके बाबा की याद से उन विकारों से माया के तूफानों से जीतना है, आगे बढ़ना है। बाबा कहते फिर ही बाबा के दिल पर चढ़ेंगे ना, अगर विकारों में जाते जाएंगे, विकारों की वशीभूत होते जाएंगे तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, बाबा के दिल से ऐसे बच्चे उतर जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते देह मान में आकर विकारों रूपी कीचड़े में नहीं जाना है, अपने को कांटा नहीं बनाना है। और सातवां पॉइंट है, बाबा कहते आत्मा तो तमो प्रधान बन गई है, बिल्कुल फुल कीचड़ा इसके अंदर आ गया है, और पहला कारण जो बना कीचड़ा आने का आत्मा के अंदर वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान, देह का अभिमान। तो बाबा कहते जब देह भान आता है तो काम आता है, क्रोध आता है, तो इतना कीचड़ा पड़ा है तो बाबा आकर के सारा कीचड़ा छान देते हैं, आत्मा को ज्ञान योग के बल से आत्मा को पावन बनाते हैं, तो आत्मा का रंग रूप सब बदल जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें अच्छी रीति बैठ करके विचार सागर मंथन करना चाहिए, फील करना चाहिए हम कितने गंदे किचड़े बन गए थे, कितने पतित बन गए थे, लेकिन बाबा की याद में रहकर अब जो भी किचड़ा इतने जन्म जन्मांतर के अंदर आत्मा पर चिपका हुआ है उसको निकालना है। बाबा कहते देखो बच्चे देव मान में बिल्कुल मत आओ, पहले का इतना हिसाब किताब है उसको निकालो। और अभी देखो बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं क्रोध में 24 घंटे घूमते रहेंगे, विकारों के वशवत होते रहेंगे, तो कोई कोई की तो ऐसी शक्ल होती जैसे बाबा कहते तांबे की तरह लाल पीले होते रहेंगे, क्रोध में आकर जलते रहेंगे हर वक्त। तो बाबा कहते ऐसे अपनी शक्तियों को खत्म मत करो, अपनी खामियां चेक करते जाओ, जो जो खामियां हैं जिस जिस विकार की उसको गहराई से चेक करके निकालना है, शुद्ध बनना है, पावन बनना है। और आठवां पॉइंट है, बाबा कहते तुम्हें पवित्र बनना है ना, तो पवित्र जो बनने वाले बच्चे हैं उनको बाबा को फॉलो करना है। किस बात में फॉलो करना है, बाबा कहते देखो बाबा है परम पवित्र, पवित्रता का सागर है बाबा, तो बाबा कभी अपवित्र कीचड़े को हाथ नहीं लगाते, उनके साथ कभी मिक्सअप नहीं होते कीचड़े वाले आत्माओं के साथ। इसलिए बाबा कहते तुम्हें भी जो आत्माएं विकारों की एडिक्ट होती हैं, विकारी बनती जाती हैं, बाबा के श्रीमत से बाहर रहती हैं, तो बाबा कहते तुम्हें उनके साथ कभी मिक्सअप नहीं होना है, क्योंकि बाबा पवित्र बना रहे हैं, तुम्हें पवित्र बनना है, अपवित्र के संग में बिल्कुल नहीं जाना है। बाबा जैसे कहते हैं बाबा को फॉलो करना है, सी फादर फॉलो फादर सी नो इविल, है ना, ऐसी आत्माओं के संग में जाकर के बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, तो बाबा कहते बस अपने ऊपर नजर रखनी है, पावन बनना है, और अंदर ही अंदर जो जो खामियां है
उसको निकालने का पूरा प्रयत्न करना है, तभी तुम लक्ष्मी नारायण समान पवित्र बने। ठीक है, ओम शांति।